यार इस दफा वो मजा नहीं है जो पिछली बार आया था। कई दफे ऐसा होता है कि जब हम सड़क के किनारे से गुजरते हैं तो किसी होटल पर रुक के कोई खाना वगैरह खा लेते हैं। उस लालच में जब हम दोबारा उस होटल तक आते हैं और वही खाना खाते हैं तो हमें पिछली बार जैसा लुत्फ नहीं आता। कोई मकान है, फर्ज के नाना का घर है, आपका बचपन वहाँ गुजरा है, कोने कोने से आपको उनसियत है, लेकिन अब अगर नाना वहाँ नहीं रहे तो क्या उस घर का आपके लिए वही मकाम होगा? यही मामला लम्स का है। एक इंसान का लम्स दूसरे से अलग होता है, दूसरे का तीसरे से और तीसरे का चौथे से, वाला हाजिल कयास। अब इन तीनों चीज़ों के दरमियान जो बात मुश्तरक है वो चंद लम्हे हैं। आप जब कहीं दोबारा खाना खाने जाते हैं या किसी जगह को दोबारा से देखना चाहते हैं या किसी शख्स की तरफ लौटते हैं तो आप असल में उन गुजरे लम्हों को ढूंढने वापस पलटते हैं। लाख कहते फिरें कि जाने वाले किसी बंदे या बंदी की कमी कोई और पूरी कर देगा तो ये नामुमकिन है। वो खाना खाली रहेगा, हाँ नया खाना शायद बन जाए और फैलते फैलते पिछले को दबा दे। ये शायद कभी होता हो, लेकिन जिस्म के मेमोरी सेल बहुत जालिम होते हैं। आपकी यादाश्त चले ना चले उन्होंने अपना काम करना होता है। जिस्म की एक अपनी हार्ड डिस्क होती है जिसमें वो सिर्फ लम्स की याद महफूज रखता है और वो याद मेमोरी सेल की शक्ल में स्टोर रहती है। कुछ साइंसदान कहते हैं कि जिस्म का एक एक खुलिया अपनी अलग अलग याददाश्त महफूज रखता है। कुछ इस बात को नहीं मानते, जो आपका दिल करे वो आप माने, लेकिन अब वापस चलें। वो जो पिछली मरतबा सड़क किनारे खाना खाया था, उस दिन मौसम कैसा था, टाइम क्या था, फुर्सत कितनी थी, ध्यान कहाँ था, मूड बेहतर था या सड़ा हुआ था, साथ कौन था, कोई दवा ली थी या नॉर्मल थे। इसके अलावा 75 चीज़ें ऐसी थीं जिनसे मिलके वो जायका बना था। दोबारा आप खाने चले गए लेकिन उनमें से कोई एक चीज़ भी शॉर्ट है तो बस छुट्टी। ये वारदात समझ नहीं आती। इंसान बड़ा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, शदीद वाला, कभी तो बड़ी से बड़ी आंधी गुजार जाए और कभी एक फूंक जड़ों से उखाड़ दे। वजह पूछें तो कोई नहीं, गिनने बैठें तो 1000, लेकिन हर इंसान पे वही फार्मूला लग जाए ये भी नामुमकिन। नाना के घर की बात इसलिए की कि आम तौर पे बचपन में आप दादा के यहाँ रहते हैं, नाना के वहाँ रोज़ जाना मुमकिन नहीं होता, लेकिन जितना भी जाना होता है उस घर में कोई लम्हा बहरहाल कैद रह जाता है। अब खुदा ना खासा नाना दुनिया में नहीं रहे तो उस घर में दिल क्यों नहीं लगता? बाकी तो लोग वही हैं और जगह भी वही। आप वहाँ लम्हे की, लम्स की तलाश में जाते हैं। मकान तो वही होता है, जमा वो नहीं होता। सब कुछ होते हुए भी जो कुछ उस टाइम था अब वो नहीं है, तो माजी वाला सब कुछ हाल में रहते हुए वापस जाने पर भी वैसा नहीं मिलता, ये तय हो गया। लम्हे, जायके और लम्स महफूज बनाने हैं तो फनाफिल वक्त हो जाए। जो वक्त एक चीज़ का है उसमें दूसरा कोई काम ना हो, मोबाइल ना हो, टीवी ना हो, दिमाग पे बोझ ना हो, या जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं वो तो बिल्कुल ना हो। गोरे इसे टू लिव इन द मोमेंट कहते हैं। आप जो भी नाम दें लेकिन वो मोमेंट, वो लम्हा, वो जायका, वो लम्स महफूज तभी हो सकता है जब आप दिल जान से वाहिद एक काम कर रहे हो, वो काम जो आपकी तरजीह है। और हाँ, ऐसे वक्तों में तस्वीरें खींचने के बजाय मूवी बना लिया करें। तस्वीरें उदास कर देती हैं जबकि मूवी जो है वो पूरा लम्हा किसी हद तक वापस कैप्चर करके आपके सामने खड़ा कर देती है। जितना वक्त तस्वीर के लिए ठीक जगह ढूंढने में ज़ाय होता है उससे आधे टाइम में वीडियो बन जाती है। तस्वीर शायद सोशल मीडिया पे ज़्यादा लाइक्स दिला देती हो, लेकिन जो चीज़ आपके दिल से करीब होगी वो मूवी है, लम्हों की मुमकिना पकड़। अगली मरतबा कोशिश कीजिए, मज़ा आएगा। अब रह गई माफ़ी। माफ़ी और वक्त का बड़ा ज़ालिम ताल्लुक है। जिससे आपने कोई ज़्यादती की, हो सकता है अब से 5 साल बाद उसके लिए वो बात कोई मसला ही ना हो, लेकिन आपका एहसास जुर्म गुजरते वक्त के साथ बढ़ता जाएगा। आप 5 साल बाद माफ़ी मांगेंगे, वो बंदा कर भी देगा माफ़, पर अब उसके लिए ये सब बेमानी है। माफ़ी का वक्त 5 साल पहले था। ना आप उस वक्त में वापस जा सकते हैं और ना अब वाली माफ़ी वो अहमियत रखती है जो 5 बरस पहले रखती थी। माफ़ी उड़ते परफ्यूम जैसी है, देर करेंगे मांगने में तो वाकई की अहमियत उस बंदे के नज़दीक ख़त्म हो जाएगी। खुशबू उड़ गई तो परफ्यूम का अब क्या करें, और बासी माफ़ी पे आप खुद मुतमईन हो जाएंगे।